करता हूँ जीके भाई योगेश्वर चैनल में आपका। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब्सक्राइब का बटन ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसके बाद चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा वो सभी आप तक पहुँच सकें, तो आशा करता हूँ सभी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके भाई योगेश चैनल में। दोस्तों एस्टेट की आंसर की है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई है, तो टी क्यू की बेटी है, तो एस के चाचा कौन है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर पी। तो इनके चाचा होंगे कौन दोस्तों? पी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता है? तो ये हुआ नेशन, NATION। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 63 प्रत्येक संख्या 10 बार 15 तथा 18 से पूर्ण विभाजित होने वाला न्यूनतम पूर्ण वर्ग है, तो होगा 900। ये 900 होगा, 900। किसी सांकेतिक भाषा में क्रिएशन का कूट ये होगा, तो सीक्वेंस का कूट ये होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 3। और नेक्स्ट है, समीकरण दी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा समीकरण का, 65 क्वेश्चन का जो समीकरण है उसका हो जाएगा 3, यानी कि 3 ऑप्शन उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 65 क्वेश्चन का। जो समीकरण है उसको यदि सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करने के बाद जैसे 3 दूनी 6 और 11 16, 9 7 16, 11 6 3 10, तो ये दोस्तों बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि ये इसमें फिट करना होता है। तो 66 क्वेश्चन है, जो 66, सी का पिता ए है और डी बी का पुत्र है, तो इसमें ई का संबंध पूछा है इनसे, तो ई का संबंध किससे होगा? तो जो बी और ई का रिलेटेड है तो उनका रिलेशन हो जाएगा साली का, उनका रिलेशन होगा दोस्तों किसका? साली। 10 लीटर दूध में 8 लीटर पानी है, इससे कितना शुद्ध पानी मिलाया जाए? इसके मिश्रण में पानी 4% रह जाए, तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। 10 लीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 68 क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 11 से भाज्य हैं क्यू माइनस पी का मान क्या होगा? यहाँ पे मान पूछा है, तो इनका मान हो जाएगा राइट 8, यानी कि 8 ऑप्शन होगा इसका। ब्राइटर शब्द के अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये इस टाइप के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका, यानी कि 4th ऑप्शन। और 70 क्वेश्चन में कोड है, कोड के क्वेश्चन और भी आसान होते हैं दोस्तों। इसमें कोड पूछा गया है कि वे के लिए कौन सा शब्द है, तो वे के लिए शब्द हो जाएगा टिम, TIM। मैथ का क्वेश्चन है 71। एक नाव निश्चित दूरी के अनुप्रवाह में 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि उसी दूरी को वापसी 1/1/2 घंटे में तय करती है। यदि नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करनी है, तो कितनी होगी? ये हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति आर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। साइन जीटा कोस जीटा का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो मान पूछा है sin 4a cos 1, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व और उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, इसी प्रकार आगे भी रहता है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को कहेंगे दोस्तों उत्तर और पश्चिम। नेक्स्ट है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 50 और 20% बढ़ाई जाती है, तो इसके क्षेत्र में कितने गुना वृद्धि होगी? 4/5, यानी कि 80% वृद्धि होगी, 4/5 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट है, ये भी दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, तो मान बताना है, तो इसका राइट आंसर मान हो जाएगा 1/7। 76 क्वेश्चन है, 28 आमों के पेड़ों में 42 सेब के पेड़, 21 संतरा के पेड़ों की पंक्ति के आधार पर इस प्रकार से लगाया जाना है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या में पेड़ हों,
तो सभी पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम पंक्तियों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 13, और राइट आंसर होगा हमारा 4। ए की चाल बी से दुगनी और बी की चाल सी से तिगनी। यदि किसी दूरी को सी 54 मिनट में तय करता है तो बी कितने समय में तय करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 18 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बड़ा, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? एज का बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 वर्ष। श्रृंखला में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, जो त्रुटि है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 360, 360 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे त्रुटि सर्च करनी है, त्रुटि हमें देखना होगा, त्रुटि इसमें कैसे होगी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ग होगा तो वर्ग इन सब के होंगे, लेकिन 360 का इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 360, क्योंकि यहाँ 368 होना चाहिए था, लेकिन 368 है नहीं, है कितना? 360। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 360, 1850 बिल्कुल राइट है। बस जो संख्या में कमी है वो है, नेक्स्ट है, एक व्यापार में ए सी की निवेश का अनुपात 2:1 है, जबकि ए बी के बीच निवेश का अनुपात 3:2 है। यदि उनका कुल लाभ रुपये 1573 हो तो बी को कितना धन मिलेगा? तो बी को कितना धन मिलेगा? 484। सम्मिलित करना है दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ है? सेंटर ऑफ, जैसे कि करनाल में है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स ये कहाँ पे है? तो झज्जर में है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स है सिरसा में। और इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। तो इनका मैचिंग करना है, सही कोड चुनिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 4, 3, 2, 1, ये हमारा बिल्कुल राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, खिलाड़ी इनके 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो कौन है जिसने 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2018 में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों जो नेहा गोयल, बजरंग पूनिया, गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने, तो राइट आंसर हमारा बजरंग पूनिया हो जाएगा। विकास यादव, कृष्ण यादव और सीमा पूनिया, इन्होंने भी मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल की दोस्तों यहाँ पे बात हुई है, तो गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड स्थल है जो PGW में स्थित है? तो वो है भगवानपुरा। भगवानपुरा क्षेत्र जिसमें कर्नल जेराड ने 1857 की क्रांतियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया, कर्नल जेराड, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नारनौल। नारनौल से इन्होंने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नेकीराम शर्मा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? नेकीराम शर्मा ने तिलक के होम रूल आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दोस्तों असत्य है, सॉरी, पहला बिल्कुल राइट है। अशोक आंदोलन के दौरान उन्होंने भिवानी में गांधी जी का एक जनसभा आयोजन किया था, बिल्कुल राइट है। उन्होंने भिवानी से एक साप्ताहिक संदेश प्रकाशित किया। और नेक्स्ट है, 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, तो ये चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। निम्न में से कौन सी नदी का साहिबी में समाहित नहीं होता? तो इसका मतलब मान लेते हैं हम कसावटी, कसावटी होगी जिसका साहिबी में समाहित नहीं होता, बाकी तीनों का समाहन साहिबी नदी में किया जाता है। जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 84.1%, 84.1% होगी जनगणना 2011। किन राज्यों के साथ क्लेश राष्ट्र पर अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है
पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भावांतर के सम्मिलित नहीं है गन्ना। गन्ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विभाग सगुन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों के विचार करना है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है या राइट है? एक विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, ऐसी विधवा महिला की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही हैं, दोनों इसके राइट आंसर दिए गए हैं, ए बी दोनों।